गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और भाई अभी हम लोग खड़े हैं अलीगढ़ कानपुर हाईवे प्रोजेक्ट पे। और अलीगढ़ कानपुर हाईवे प्रोजेक्ट में बाधा बना हुआ है, एक चबेपुर थाना था जिसका डिसमेंटल करने के बाद हम लोग ये आरीवाल यहाँ से यहाँ तक टच कर दिए हैं। राइट साइड का हमारा करेज वे चालू हो गया था, लेफ्ट साइड का करेज वे हमारा बाकी था। और चबेपुर थाने की बिल्डिंग की डिसमेंटलिंग करने के बाद हम लोग लेवलिंग पैड करके अपनी आरीवाल को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिए हैं। दोस्तों अभी हमारी इस पर फर्स्ट लिप अपनी कम्प्लीट हो गई है। ये जो वाल आप लोग को दिख रही है फर्स्ट लिफ्ट है, पीसीसी के ऊपर को जो रखते हैं उसको फर्स्ट लिफ्ट है। और ऐसे करके ही हमारी 7 से 8 लिफ्ट अभी हम लोग इस हाइट तक आएंगे, तब हमारा लेफ्ट साइड का हाईवे स्टार्ट होगा। तो अभी एक्सेवेटर की मदद से हमारा ये बेड बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके बीच में जो है ना ग्रेडर रोलर कुछ भी नहीं आ सकता, तो एक्सेवेटर की मदद से हमें सारा बेड बनाना पड़ रहा है। तो अभी एक्सेवेटर की मदद से हम लोग ये बेड अपना कम्प्लीट करा लिए हैं। रोलिंग का काम बेबी रोलर से ही कराएंगे, बड़े वाले रोलर से नहीं, काफ़ी अच्छा से कंपैक्टेड कराने होंगे। उसके बाद 707 अपना हमें किनारे किनारे पे ड्रेसिंग कर करके कंप्लीट करना है इसको बेड। तो दोस्तों बेल्ट्स जो लगेंगी हमारी इनके बीच में, तो इसकी विड्थ हमारी 4.5 मीटर की है। तो 4.5 मीटर की जियो स्ट्रैप्स हमारी लेंग होंगी, उसके बाद उनको हुक थोड़ा ठोक के तब आगे काम इरेक्शन करेंगे लिफ्ट। तो भाई अभी क्या प्रोसेस है, अपना बेल्ट को मंगा लिया गया है। बेल्ट मंगाने के बाद पहले बेल्ट्स लगवाएंगे, उसके बाद यही मिट्टी को हम लोग यूज़ करेंगे। ऊपर मिट्टी डल रही है, एक्सेवेटर की मदद से ऊपर से मिट्टी खींच के हमको बार बार नीचे ला के ही अपने आरीवाल को कम्प्लीट करने हैं। इधर पीछे की साइड आप लोग देख सकते हैं राइट का करेज हमारा पूरा स्टार्ट हो गया है, और लेफ्ट का करेज यहाँ तक आता है। यहाँ तक आने के बाद इधर से टर्न होकर निकल जाता है। तो ये जो बीच में आरीवाल पड़ी है इन्हीं को हमें बना के कम्प्लीट करने हैं, और जल्दी कंप्लीट करने के बाद लेफ्ट साइड से भी हम ट्रैफिक छोड़ देंगे। तो देखो मिट्टी एक्सेस मात्रा में जो आ रही है उनको ऊपर हिप लगवा रहे हैं, यहीं से एक्सेवेटर से काट काट के सारी मिट्टी को हम लोग यूज करके यहाँ तक टॉप तक आरीवाल को हम लोग ले आएंगे। और अभी बचा है अपना सर्विस रोड, ये लेफ्ट साइड का जो सर्विस रोड है ये थाने के साइड से थाने की बिल्डिंग टूटने के बाद कम्प्लीट करेंगे। तो भाई एक जगह अभी बेड थोड़ा प्लस था, उसकी भी कटिंग करा रहे हैं। एक्सेवेटर तो भाई एक्सेवेटर ही है, अब ग्रेडर का तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि ग्रेडर का काम यही है कि बेड जो अपना बनाता है ना सबसे अच्छा बनाता है ग्रेडर। तो अब एक्सेवेटर की मदद से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी है इधर से भी, और दोनों साइड से वाल अपनी क्लोज हो गई है। तो इस वजह से अभी एक्सेवेटर की मदद से बेड बनाने पड़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो लेवल में प्रॉब्लम्स आएगी। भाई अपने इधर हो रहे हैं CTGSB टॉप के बेड रेडी। तो लगभग देखिए ये जो गैप हमारा बचा था इसको हमने टॉप CTGSB का रेडी करा दिया है। ग्रेडर के हेल्प से ना ये थोड़ी हम लोग सिटी को नीचे करा देंगे। तो भाई अपना इधर का पूरा लगभग कैरेज भी अपना कंप्लीट है सर्विस रोड का। ये अपनी आरीवाल है और ये इसको बोलते हैं फ्रिक्शन स्लैब्स। और अभी हम लोग खड़े हैं स्ट्रक्चर पे, ये MNB स्ट्रक्चर है, माइनर ब्रिज, मतलब ये पानी को क्रॉस करने के लिए इस पार से उस पार के लिए बनाया जाता है। तो देखो ग्रेडर से काम काफ़ी लेबर का आसान हो जाता है, अब नॉर्मल बराबर करने पड़ेंगे बस। करके उधर ही आ जाइएगा, पीछे ही इधर से करके धीरे धीरे उधर ही आ जाइएगा, ठीक। और दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ 418-900 से आगे, अभी मैं खड़ा हूँ 419 चैलेंज पे। और इधर देखिए अपनी स्ट्रीट लाइट का भी काम लगभग कंप्लीट हो गया है। स्ट्रीट लाइट जो हम लोग अभी ऑनस्टन किए थे ना इलेक्ट्रिक पोल के, वो लाइटें भी हमारी पूरी लग चुकी हैं। तो इस पर लाइट LED लगती है, और उसका जो वायरिंग है ना ये अंडरग्राउंड वायरिंग है। तो मीडियम में प्लांटेशन का भी काम हो गया है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में।
और ये जो क्रैश बैरियर है इनको हम लोग रीपेंटिंग, मतलब जो पहले पेंटिंग था दोबारा करा दिया है। और ये अपने प्लांट्स हैं भाई, ये कंक्रीट प्लांट है, उसके पीछे HM प्लांट है, हॉट मिक्स प्लांट, तो दोनों प्लांट्स इधर है, लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस में अपने कैंप है। और ये मेटेरियल स्टॉक है। हाईवे बनने के बाद ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा चल रहा है, जबकि अभी वन साइड कैरेज वे हम लोग ने स्टार्ट किया है, वन साइड कैरेज वे में इतना ज़्यादा ट्रैफिक चलना स्टार्ट हो गया है। और भाई बनने के बाद जो हाईवे का लुक आता है ना, वो बहुत ही बेस्ट आता है यार। पूरी जब ये लाइट से जब से लग गई है ना, तब से हाईवे का एक अलग ही लुक आ गया है। और साइनिंग बोर्ड पेंटिंग इसके बाद जो हाईवे पे लुक आता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो भाई थाने की सारी बिल्डिंगें न टूटने की वजह से पैनल्स भी जो हमारे डाले जा रहे हैं अभी एक्सेवेटर की मदद से डाले जा रहे हैं, क्योंकि इधर हमारा हाइड्रा नहीं आ पा रहा है, इस वजह से हमें एक्सेवेटर से ही पैनल्स को डालने पड़ रहे हैं। ये देखिए पैनल इरेक्शन का अपना काम स्टार्ट हो गया है। भाई राइट साइड से हमारा ट्रैफिक चल रहा था और बारिश का मौसम थोड़ा बन रहा है, तो इस वजह से अभी क्या डर है हमारा, ये ट्रैफिक चलने की वजह से कहीं ये स्लाइड मिट्टी ना हो जाए, तो इस वजह से अभी स्लोप के प्रोटेक्शन के लिए एक्सेवेटर लगा दिए हैं। एक्सेवेटर अभी हमारे इधर से मिट्टी फ्ली करके स्लोप पर डाल देगी, जिससे थोड़ा प्रोटेक्टेड हो जाएगा मिट्टी, बारिश में कम रिस्क रहेगा गिरने का। तो भाई देखो अभी एक्सेवेटर कितनी रिस्की वाली जगह पर काम कर रही है ये। भाई मशीन हाईवे में जो काम करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होती है, अगर ये पलट गई तो जान तुरंत आदमी की चली जाएगी। तो अभी ये स्लोप से इधर मिट्टी डालना है, फिर इधर लगा के पूरे स्लोप से हम लोग इसको मिट्टी को डलवा देंगे। और एक्सेवेटर जो चढ़ी है ना ऊपर, यहाँ से चढ़ी है रैम बना के,